अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सर? तो यार, जो भी सऊदी अरेबिया में रहता है, उम्रे में जाता है, तो सबसे बहुत सुना है कि अलबैक बहुत अच्छा है, अलबैक में ये, अलबैक में वो, बट कभी खाया नहीं। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग यू नो बैग में डाल के ला भी रहे होते हैं। इस लेवल का अच्छा कि यार आप एक्चुअली फ़्लाइट में ले के आओ, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आ जाएँ। तो लास्ट टाइम दुबई मॉल में था, बट बहुत रश था, तो इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पर। एंड यहाँ पे वी आर एट द मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो ये आप लाइन जो है वो देख सकते हैं कि ठीक ठाक लाइन है, एंड यहाँ पे कम है, एंड यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं फूड कोर्ट में, एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं, सबके पास एक अलबैक का लिफाफा है। एंड आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, उनका जो चिकन रोस्ट है एंड फिले नगेट्स एंड चिकन रोस्ट, आई थिंक स्पाइस इंजेक्टेड समथिंग, स्पाइस इंजेक्टेड, हाँ दे इंजेक्ट स्पाइस आई थिंक। तो अभी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि अलबैक कैसा है। ये साहब जो हैं ये जा रहे हैं लाइन में लगने। तुमने ट्राई किया? मेरा ऐसा कोई टेंपरमेंट नहीं, मैंने खाया हुआ है। मैंने नहीं खाया हुआ। आई विल वेट फॉर यू। ओके, आई एम गोइंग, एंड चलते हैं, जरा लाइन भी आपको दिखाई देते हैं। मैं जगह ढूंढती हूँ और जो जगह मिल जाएगी आज चलेंगे। तो ऑर्डर करने की अलग लाइन है और पिकअप की अलग लाइन है। तो ऑर्डर वाली ये है जो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं लग रही, और पिकअप वाली वो है, वहाँ पर ज़रा लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। And I hope it doesn't take very long. So, सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार, you know, किसी ईटरी पे, किसी रेस्टोरेंट पे भी इतना रश हो सकता है। And I wanna see what the hype is about. So let's see. So guys, जो ऑर्डर वाली लाइन है उसका ये है। So यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरे पीछे कोई दो चार लोग हैं एंड यहाँ तक जा रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट दुबई मॉल में जितनी लाइन थी यार, मेरा देख के मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने कहा यार, कोई भी खाना खाने के लिए मैं इतनी लंबी लाइन में घुसूंगा जहाँ पे कम से कम मुझे मिल पता है कि मुझे दो घंटे से पहले मेरी बारी नहीं आई। नहीं भाई, कोई बेहतर तरीका ढूंढेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मॉल ऑफ एमिरेट्स में खुल गया, यहाँ पे ज़रा रश भी कम है, थोड़ा सा टोन डाउन होता है, बिकॉज दुबई मॉल इज़ द थिंग, वहाँ पे ज़रा हर कोई होता है। मॉल ऑफ एमिरेट्स थोड़ा सा रश यहाँ भी होता है, बट रिलेटिवली बहुत कम होता है, थोड़ा सा यू नो रश वगैरह ये चीज़ें बहुत कम होती है। सो कैन आई गेट चिकन नगेट्स एंड चिकन पीसेस? थैंक यू सो मच। ये ऑर्डर हो गया है और ज़रा कलेक्शन की लाइन में लगते हैं। सो बैड यार, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो अगर आपको खाना है, इफ़ यू रियली वॉन्ट अलबैक, एंड क्योंकि अगर आपका सऊदी अरेबिया का एक्सेस नहीं है, सो कम हेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दुबई मॉल। जस्ट सॉरी यार, आई थिंक आई स्पोक टू सून, लाइन थोड़ी लंबी है, टाइम लग रहा है। सो इट्स बीन अबाउट 30 मिनट्स ऑलरेडी, देखते हैं और कितना लगता है। मेरा नंबर 607 है एंड सर्विंग 596 अभी। Yeah. Pepsi diet. Thank you. Thank you so much. Thank you. अब जरा टेस्ट टेस्ट करते हैं। I got it. Quick. 40 minutes लगे। Get sauce and. Didn't give the garlic sauce. Oh, hungry. मुझे भी तुम्हारे जैसी लगी है। Okay. Who's trying first? Really? चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो गाइस, दिस इज ऑफिशियली माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग अलबैक। चिकन भी ट्राई कर लो। The nuggets are mind blowing. Time for chicken. Worth the 45 minute line. Worth the experience, because मैंने कभी खाया नहीं। And ये आप देख सकते हैं, ये ना मसाले वगैरह जो भी होते हैं, like spices, they're probably injecting them. That's what I saw on YouTube. मैं आने से पहले मैंने पूरी research की थी कि कैसे बनाते हैं। Why is it so different? So this is what I came to know, कि यार, this is why they're different. Because they inject the spices. It's fried chicken, but it's different. It's different than KFC. And any of you who hasn't tried this should try this. It's very nice and very nice. Out of 10. Please, मुझे माफ करें, मैंने अगर गुस्ताखी की 8 नंबर देके, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। And यार, मेरा honest review है, I think it's an 8.5. मतलब basically it's very nice. But the nuggets, they're like a bang on 10. Nuggets के लिए I would go there again and again. बट येस, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब मुझे अच्छी बात ये लगी कि यार, फ्राइड चिकन आप खा खा के ना बेटर देन केएफसी और नॉट। यार केएफसी इज डिफरेंट,
How is it different? It's fried chicken. No, KFC ki jo skin hai na, bite uska, usko agar aap kha lo, the chicken has no taste. This has taste. But different hai na? Where the fried chicken? No, but under like chicken ke andar to taste hai na. Spicy bani hui hai. हाँ स्पाइसी एक ही होती है एंड इट्स नॉट स्पाइसी तो नहीं पता मैं मिर्चे बिल्कुल नहीं खाता माय स्पाइस टॉलरेंस इज आउट ऑफ 10 7 आई डोंट लाइक द मसाला फ्लेवर टू मच आई लाइक इट आई प्रेफर केएफसी आई लाइक इट द नगेट्स नगेट्स तो यार बिना तो यार पूरा मील खाने के बाद आई थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू एक्चुअली गिव माई ओपिनियन एंड ये मेरा ओपिनियन है ये जजमेंट नहीं है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अब कुछ लोग इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं बट यार ओपिनियन है मेरा मैं क्या करूं ठीक है लेजिट पूरा मील खाने के बाद अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूं कि बेसिकली मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एंड वाज इट वर्थ इट और नॉट तो यार सबसे पहली बात ये है कि वर्थ द हाइप मे बी या इफ यू वांट टू ट्राई यू नो व्हाट द हाइप इज अबाउट जैसे मुझे बहुत मैं इंट्रीग बहुत होता था देख के यार यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू हैव इट इतनी लंबी लाइन है सब वो खा रहे हैं तो यू नो आप इवेंचुअली आपका दिल करता है कि मैं वहां जाऊं तो वो तो एस्पेक्ट वहाँ पे है ठीक है आपको जाना है यू शुड ट्राई बट वुड आई गो देयर अगेन प्रॉब्ली नॉट मे बी फॉर द नगेट्स बट प्रॉब्ली नॉट फॉर द चिकन एंड आई थिंक मैंने जहाँ तक सुना है कि चिकन के लिए ही ज़्यादा फेमस है सो नगेट्स बैंग ऑन 10/10 मैं शायद 40 मिनट की लाइन में लग जाऊँ बट फॉर द चिकन नो क्योंकि जो उसके अंदर मसाला इंजेक्ट होता है या जैसे भी डालते हैं वो ऐसे फील होता है जैसे थोड़ा कच्चे मसाले का टेस्ट तो वो कच्चा मसाला ना तो बहुत प्लेजेंट लगता है ना बहुत बुरा लगता है तो आप कहते हैं यार खा क्यों रहा हूँ मे बी लाइक हाँ डिफरेंट टेस्ट के लिए यार इट्स फाइन बट वैसे इन्जॉय करने के लिए आई डोंट थिंक सो सो वॉज इट वर्थ इट येस फॉर द हाइप एंड मिक्सड रिव्यू तो प्राइस कितनी थी टोटल तो बेसिकली जो नगेट्स थे 10 पीसेज वेयर फॉर 18 दिरहम्स आपने जो मैथ करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें एंड चिकन पीस 1080 फॉर नगेट्स विच इज़ फाइन एंड चिकन पीस के लिए है 18 दिरहम सेम प्राइस एंड या एंड एक पेप्सी भी थी सो टोटल हमारा आया 42 दिरहम 42 कितना हो गया 2500 तक आई गेस सो लाइक 2500 या 2500 रुपये तो अब ये सीन है कि यार देखो 2500 रुपये में यार आई थिंक हाँ KFC में भी यही हिसाब होता है नाइस यस बट चिकन के लिए नहीं आऊँगा नगेट्स के लिए आऊँगा बट येस आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी एंड फाइनली शुक्र के यार मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि आई एम मिसिंग आउट नॉट लॉट एंड नाउ आई फील के ओके आई हैव ट्राइड इट लाइक ये मैंने सुना था कि द गार्लिक सॉस इज रियली नाइस एंड इट्स एक्चुअली वेरी नाइस नगेट्स रियली नाइस चिकन ओके बैड नहीं है बट ओके सो पहले हाँ अब नेक्स्ट टाइम हम और चीज़ें ट्राई करेंगे बट अभी पेट की कैपेसिटी इतनी है तो अभी फिलहाल इतना ही सर तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अंटिल देन अल्लाह हाफिज़